फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ पैकेज यूनिट का, एसी का, एसी पैकेज यूनिट। ये वायरिंग है, मैं वायरिंग का बाद में बताऊँगा, पहले मैं फुल रिव्यू में दिखाता हूँ कि ये पैकेज यूनिट दिखता कैसे है, उसमें क्या क्या होता है। ओके, तो ये है हमारा पैकेज यूनिट। यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ये कंडेंसर है, यह है ड्रेन पाइप, यह है हाई प्रेस, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। रिम कंपनी का है ये, आप देख सकते हैं। ये तीन टन का है और ये जो है दो डक्ट जो है, ये है फ्रेश एयर के लिए, ये है आउट, ये है इन। ये फ्रेश एयर देगा ये और वो रिटर्न है। ओके, तो ये इसका रहा फुल रिव्यू, फुल व्यू जैसा कि ये दिख रहा है। अब मैं इसका वायरिंग बताऊंगा। तो ये अभी स्टार्टिंग में है, तो चलिए अब इसका वायरिंग बताता हूँ, कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग। ये इसका आइसोलेटर है, आइसोलेटर से पावर जो जाता है ये इसमें जाता है। ओके, और इसका जो आउट होता है ये हमारा ये कॉन्टैक्टर में आता है, दो कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। एक कॉन्टैक्टर जो है वो फैन मोटर के लिए और कंप्रेसर के लिए, और एक जो कॉन्टैक्टर है वो इसमें एक मोटर लगा हुआ है जो फ्रेश एयर के लिए है। ये जो ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा 24 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए है 220 वोल्टेज से। और उसके बाद ये रिले लगा हुआ है, ये टाइमर लगा हुआ है और टाइम से स्टार्टिंग के लिए। ओके, तो मैं अब इसका वायरिंग बता रहा हूँ कि कैसे इसका वायरिंग है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये मेन पावर सप्लाई है। ओके, और इसमें एक ये कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर ओवरलोड रिले, जिसमें एक कॉन्टैक्टर ओवरलोड रिले से ये हमारा कंप्रेसर थ्री फेज का चलता है और उससे एक फैन चलता है। और जो दूसरा कॉन्टैक्टर ओवरलोड रिले है उससे हमारा एक मोटर चलता है जो थ्री फेज का है, 400 वोल्ट लेता है। ओके, अब इसका जो है ये कंट्रोल वायरिंग, जो कंट्रोल वायरिंग सिंगल फेज का आएगा, सिंगल फेज के लिए एक ये हमारा एमसीबी लगा हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। ओके, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये हमारा 50 वोल्ट एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें 230 वोल्टेज इन हो रहा है और 24 वोल्टेज आउट हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक फ्यूज लगाया गया है और फ्यूज से जो होकर के जाएगा वो हमारा थर्मोस्टेट में जाएगा, वो 24 वोल्ट एसी उसको चाहिए। ओके, तो और यहाँ से जो 24 वोल्ट जो है वो हमारा एक ये टाइमर में जाएगा। ये देखिए, पहले ये जो है ये हमारा जो है एक कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए ये टाइमर लगाया हुआ है। ओके, और एक जो टाइमर लगाया हुआ है वो है फैन को स्टार्ट करने के लिए, मोटर को, और ये इसका आउट निकलेगा OETF HP LP एंड OC, मतलब ओवरलोड के लिए, और ये हाई प्रेशर के लिए, लो प्रेशर के लिए जो कट ऑफ होता है उसके लिए है। तो ये हमारा फुली डायग्राम है, आप देख सकते हैं। और ये है हमारा पावर कंट्रोल सर्किट, ये है कंट्रोल सर्किट ओनली, ये पावर सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए।